हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन पहाड़ी नौकरी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। यहां पर सेना भर्ती पिथौरागढ़ कार्यालय ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आईएमओ जारी किया है, यानी ऑफिस मेमोरेंडम यहां पर उन्होंने एक जारी किया है। वो मेमोरेंडम कौन है, सा है और किसके बारे में है, वो हम सब आपको डिटेल में बताएंगे। तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि 15 फरवरी से जो है सेना की भर्ती चालू हो रही है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने भारतीय सेना ने के जो ऑफिसियल हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम जारी किया है। वो मेमोरेंडम है कि सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ है, उसने दिनांक 1 फरवरी 2021 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसके तहत इन्होंने यहाँ पर कहा है कि 15 फरवरी 2021 से 10 मार्च तक जनपद अल्मोड़ा के स्थान रानीखेत में जो भर्ती सेना की आयोजित की जा रही है, जिसमें पिथौरागढ़ के अभ्यर्थी हेतु दिनांक 15 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक जो है भर्ती की आयोजित की गई है। यानी कि जो फर्स्ट जो लैप होगा अब सेना भर्ती का, वहाँ पर जो होगा पिथौरागढ़ के जो 15 फरवरी से लेकर, ठीक है फ्रेंड्स, 18 फरवरी तक निर्धारित किए गए। उक्त सेना भर्ती में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक जो अभ्यर्थी होगा उसको अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी, और ये कोविड टेस्ट की रिपोर्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ निर्धारित की है कि वो निगेटिव होनी चाहिए। उसके अलावा यार पॉजिटिव होगा तो वैसे कोई भी नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है। उसके अलावा सेना भर्ती में कोविड टेस्ट को लेकर पिछली बार जो हुई थी भर्ती, वहाँ पर दिसंबर में कई फर्जीवाड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर 500 रुपये में सस्ती कोविड निगेटिव रिपोर्ट बांट दी जा रही थी, जिसके कारण अभी सेना ने ये जो है स्टेप उठाया है कि अब जो कोविड टेस्ट है वो खुद उनकी द्वारा की जाएगी। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि निम्न अनुसार निर्धारित करते हुए जाँचों पर निगेटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को ही भर्ती सेना में भर्ती रैली में निम्नलिखित किए जाने पर उल्लेख किया गया। तो जो अब ये जो भर्ती होगी, यहाँ पर उन्हें साफ साफ डिटेल दे दिया गया है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों में और किस किस टाइम पर कैसे कैसे होंगे, किस जगह। आप देख सकते हैं 15 फरवरी को जो रानी खेत में जो भर्ती होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 15 फरवरी को धारचूला गणाई के जो स्टूडेंट्स हैं वो भाग लेंगे कोविड टेस्ट के लिए। कहाँ पर? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोली हाट, और वहाँ पर 12 फरवरी कोविड जांच हेतु जो निर्धारित तिथि है वो 12 फरवरी रखी गई है। उसके अलावा 16 फरवरी की जो भर्ती होगी उसके लिए मुंसारी थल और बेरीनाग के जितने भी स्टूडेंट्स, उनकी जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट होगी 13 फरवरी को होगी। कहाँ पर होगी? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसारी, बेरीनाग एंड बेरीनाग में दोनों की होगी, यानी कि थल और बेरीनाग की दोनों एक ही जगह होगी। तो जहाँ कहीं भी आप पिथौरागढ़ से इसी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कर देना शेयर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है। उसके अलावा 17 फरवरी को जो भर्ती है लाइक डीडीहाट, देवथल और उसके अलावा कालछीना की, यहाँ पर जो होंगी 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एट द कोविड टेस्ट। उसके अलावा 18 फरवरी को भी गंगोली हाट और बांकीपान की इस जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट होगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही होगी, मुंसारी एंड गंगोली हाट, वो होगी 15 फरवरी। यानी कि जो भर्ती शुरू होने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली काफ़ी स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने हैं इसके लिए। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ से संपा जो है यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट किया गया है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आजकल तो कोविड टेस्ट को काफ़ी रैपिड फाइव हो गई है, वो आधे घंटे से लेकर एक घंटे के बीच में रिपोर्ट आपको दे दी देते हैं। तो ये लास्ट टाइम क्या हुआ था जब उसका मेन रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि डेक ऑफ 2020 में जब भर्ती हुई स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर आई थिंक लॉकडाउन में हुई थी वहाँ पर जो है 500 रुपीज़ में कोविड निगेटिव की जो है टेस्ट रिपोर्ट बांट दी गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें ये हुई थी। तो इस वजह से भारतीय सेना ने ये डिसीजन लिया है कि अब उनके अंडर ही कोविड टेस्ट की रिपोर्ट होगी। तो अगर आप इस पार्टिसिपेट में कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कर देना शेयर, बाकी अगर आप इंस्टा और ट्विटर पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।